तो लास्ट वाला मेरा जो माइनक्राफ्ट का वीडियो था उसमें आप लोगों ने बिल्कुल भी रेस्पॉन्स नहीं दिया, खत्म। तो माइनक्राफ्ट में जो इंटरेस्ट आने में लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि मेरे को भी पहले इतना इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन आपके भाई को जो अभी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट चढ़ चुका है। तो जैसे कि थंबनेल देके आए हो, जी हाँ, मैं आज अपने लिए एक सीक्रेट हाउस बनाने वाला हूँ, मतलब अंडरग्राउंड घर बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नाम दे देते सीक्रेट हाउस, चलो सीक्रेट हाउस यहाँ पे करते थे हम लोग क्रिएट न्यू वर्ल्ड। एंड यहाँ पर जो है हम लोग सर्वाइवल मोड में नहीं खेलेंगे, आज हम लोग खेलेंगे क्रिएटिव मोड में। तो यहाँ पर क्रिएटिव मोड हम लोग ने सिलेक्ट कर दिया है, यहाँ पे क्रिएट न्यू वर्ल्ड। तो जब तक ये लोडिंग हो रहा है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ में जो है इस वीडियो को भी आप लोग लाइक कर सकते हो। तो जी हाँ गाइज, हम लोग जो है स्पॉन हो चुके हैं एक नए वर्ल्ड में। तो यहाँ पर जो है हम लोग अपना घर बना सकते हैं, यहाँ पर बनाए क्या हम लोग अपना घर, लेकिन पहले हम लोग आसपास देख लेते कि लोकेलिटी कैसा है, बिकॉज आसपास अगर पानी होता है अंडरग्राउंड हाउस बनाने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो अपना घर जो है ना हम लोग थोड़ा दूसरे साइड में बनाएंगे ताकि यहाँ पर पानी का कोई झोल झाल ना हो एंड हम लोग आराम से अपना घर यहाँ पे बना पाए। देख पिक, मैं अपना नया वाला घर यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर तू भाई भाग गया ही, मेरे बात सुना ही नहीं। देख पिक, अगर तूने हेल्प किया ना मेरे को घर बनाने में, तो तेरे को जो है मैं अपने घर का सिक्योरिटी गार्ड बना लूंगा। तू रेडी है ना? तू हाँ बोल, बस हाँ बोल, हाँ बोल, चलो ये मान गया, ये अपने घर का सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए तैयार है। तो गाइस अपने को अभी कोई भी टेंशन नहीं है, अपन का एक सिक्योरिटी गार्ड भी मिल चुका है, घर बना ही नहीं अभी तक, सिक्योरिटी गार्ड रेडी हो चुका है। ओ भाई साहब, यहाँ पे देखो लावा, यहाँ पर पेड़ वगैरह सब कुछ देखो जल रहा है। हमारा घर तो यहाँ पर मैं कतई नहीं बनाने वाला हूँ, थोड़ा दूर जाके मैं बनाता हूँ। हम लोग घर बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से जो है अब खुदाई शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग खुदाई शुरू, अरे भाई मेरे पास फौरा कहाँ पर है, हाथ से हम लोग काम को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अंडरग्राउंड खोदना शुरू कर देते हैं। चलो जी, हमें डिफरेंट तरीके का मटेरियल भी मिलना स्टार्ट हो चुका है। तो गैस यहाँ पर लगभग जो है मैंने एक पूरा गड्ढा यहाँ पे मैंने खोद दिया। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा गड्ढा मैंने यहाँ पे खोद दिया, लेकिन मेरे को कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा है कि कैसे बनाए। चलो कोई नहीं, हम लोग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना मतलब घर बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक दरवाजा बना लेते हैं। चलो यहाँ से हम लोग खुदाई शुरू करते हैं, यहाँ पर जो है बनाना शुरू करते हैं हम लोगों का घर। तो यहाँ पर जो है अपने भाई ने जो है यहाँ पर देखो कितना बढ़िया सा एक सुरंग बना लिया, मतलब एक गुफा टाइप का हो गया। यहाँ पर मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक साइड एक बेडरूम बनाते हैं एंड दूसरे तरफ और एक बेडरूम बनाते हैं, मतलब कोई गेस्ट वेस्ट आ गया तो उनके लिए भी एक बेडरूम होना चाहिए ना। तो यहाँ पर सबसे पहले और थोड़ा खुदाई कर लेते हैं अपन। तो गाइस यहाँ पर जो है हमने एक रूम तो यहाँ पे हम लोगों ने बना लिया एंड हम लोग जो है अपना दूसरा रूम यहाँ पे बना लेते हैं। चलो जी, इतना बड़ा दरवाज़ा मेरे को बनाने का क्या ज़रूरत है मेरे को पता नहीं, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत इस दरवाजे को हम भी छोटा कर देते, मतलब इतना सा ठीक है, चलो इतना सा ठीक है। एंड यहाँ पर जो है हम लोग अंदर का खुदाई स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कर दिया। चलो कोई नहीं, अभी जो है अंदर का खुदाई भी सारा स्टार्ट करते हैं। तो गाइज कुछ इस तरीके का बना है मेरा ये वाला बेडरूम, थोड़ा इसको बड़ा कर देते यहाँ से, नहीं तो ये थोड़ा गंदा दिख रहा है। तो चलो गाइस यहाँ पर जो है ना ये वाला बेडरूम भी बन के पूरा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर अभी ये कुछ देखने में कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम लोगों को जो इसका वॉल वगैरह सब कुछ हम लोगों को बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसे थोड़ी ना रखेंगे, इसका थोड़ा डिज़ाइन वगैरह कलर वगैरह और थोड़ा चेंज करेंगे, अंदर मशाल वगैरह ये सब भी जलाना है। लेकिन सबसे पहले जो है ना यहाँ पर मशाले जला देते, नहीं तो चलो यहाँ पर जो है ना मशाल जला देता हूँ मैं सबसे पहले, यहाँ पर एक लगा देता हूँ, यहाँ पर दो एंड यहाँ पे अंदर भी लगा देता हूँ, यहाँ पे एक लगा देता हूँ, यहाँ पे और एक लगा देता हूँ एंड यहाँ पे एक और लगा देता हूँ, यहाँ पे एक दो तीन, चलो इतना काफ़ी। अभी देखो थोड़ा अंदर उजाला है तो यहाँ पर अच्छे से हम लोग काम कर पाएंगे। यहाँ पर और एक लगा देते, यहाँ पर भी एक। तो यहाँ पर अभी देखो कुछ इस तरीके का बना है हम लोग का घर, यहाँ हम लोग को और भी कुछ कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले डिसाइड कर लेते कि वॉल का कलर जो है हम लोग कौन सा रखेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मेरे को पसंद आ रहा है, छत के लिए ये यूज करेंगे। तो हम लोग पहले छत का काम स्टार्ट करते हैं। ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, अभी फिलहाल के लिए इसको मैं ढक देता हूँ यहाँ से।
ये बाहर किसी इंसान का मेरे को साउंड आ रहा है। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर का डिज़ाइन जो है मैंने कुछ इस तरीके का कर दिया। तो देखो गाइस कितना ज़्यादा भी बढ़िया लग रहा है ना ऊपर का साइड। तो अभी जो है ऐसे वॉल वगैरह सब कुछ हम लोग को यहाँ पे करना है। तो वॉल के लिए हमने चूज़ किया था ये वाला कलर। तो यहाँ पर जो है ना यहाँ पर हम लोग अभी वॉल का काम भी शुरू कर देते हैं। तो गाइस लगभग जो है यहाँ पे मैंने बहुत सारा काम कर दिया, यहाँ पे भी थोड़ा काम करना बाकी है। एंड यहाँ पर देखो डिजाइंस मैंने कुछ इस तरीके का दिया ताकि जो, अबे भाई हमें मशाल गिरा था। एंड यहाँ पर जो है डिजाइंस थोड़ा मैंने कुछ अलग सा ही दिया ताकि देखने में थोड़ा ये घर कूल लगे। एंड कितना बढ़िया लग रहा है देखो घर, मतलब कि मेरे को खुद ही देख के बहुत बढ़िया लग रहा है। एंड यहाँ पर ये सब भी थोड़ा बहुत अभी चेंजेस होगा, यहाँ पे बेड वगैरह अलमारी ये सब बहुत कुछ हम लोग लगाएंगे एंड डोर वगैरह सब कुछ बनाएंगे। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अभी खुदाई का काम है इनको कर लेते, उसके बाद जो है मतलब पूरा घर को सजा डालेंगे। आज मैं इतना अच्छा बिल्डर हूँ मेरे को सच में खुद को ही पता नहीं था। काश ऐसा काम मैं बाहर भी कर पाता, थोड़ा पैसा तो इनकम कर लेता। तो गाइस यहाँ पर जो है ना लगभग मेरा आधा काम तो हो चुका है, मतलब यहाँ पर एक बाहर जाने के लिए मेरे को सीढ़ी भी बनाना पड़ा। मेरा घर जो है बन के कुछ इस तरीके का तैयार हुआ है। यहाँ पर जो है ना यहाँ पर ऐसे मशाल वगैरह मैंने जला दिया, कुछ इस तरीके का दिख रहा है घर। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है अभी देखने में। तो अभी अंदर का काम तो सारा हो चुका है लेकिन अंदर बेड वगैरह भी लाना है। तो लेकिन यहाँ पर जो है ना सबसे एक दिक्कत वाली बात यह है कि यहाँ पर हम लोगों को जो एक वॉल खड़ा करना है, मतलब ऐसे अगर खुला हुआ रहेगा ना तो मॉन्स्टर वगैरह कभी भी यहाँ पे एंटर कर सकता है। तो अभी जो है ना हम लोगों को यहाँ पर एक वॉल खड़ा करना है। वॉल खड़ा करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे ये ऑरेंज वाला वॉल। यहाँ पर हम लोग अभी बनाना स्टार्ट कर देते हैं वॉल। तो गाइस लगभग जो है ऐसा बन के रेडी हो चुका है। अभी ऊपर का छत जो है, ऊपर का छत हम लोगों को पूरा ढकना है, ऐसे नहीं तो बारिश आ जाएगा ना तो पूरा का पूरा पानी अंदर की तरफ जाएगा। तो पूरा ऐसे हम लोग को अभी कवर करना है। तो चलो गाइस हम लोग का जो है छत भी बन के पूरा रेडी हो चुका है। अभी देखो कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना, मतलब एक पूरा हर तरफ से कवर होके रखा है तो अभी कुछ देखने में अच्छा लग रहा है। तो यहाँ से होगा मेन एंट्रेंस। तो यहाँ पर जो है ना गेट में मैं एक काम करता हूँ, गेट में एक दरवाजा लगा देता हूँ, नहीं तो कोई भी ऐसे अंदर आता रहेगा। चलो गाइस डोर भी यहाँ पे बन के पूरा तैयार हो चुका है। एंड 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 ये ग्रीन वाला बेड चूज करेंगे अंदर के लिए। चलो बेड एक यहाँ पे लगा देते हैं। चलो यहाँ पे एक बुक का यहाँ पे टेबल रख दिया, यहाँ पे दूसरा एक अलमारी रख दिया। तो यहाँ पर भी हमने बना दिया कुछ एक बड़ा सा टेबल, यहाँ पे तीन टेबल हम लोगों ने रख दिया ताकि यहाँ पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा सामान रख पाए। तो बाहर की तरफ भी हम लोग दो चार मशाले लगा देते। तो यहाँ पर मैंने भर भर के मशाले लगा दिए ताकि ताकि ज़ॉम्बी आके हम लोग को परेशान ना कर पाए। तो अभी हम लोग चलते अंदर, उसको बंद कर देते, अभी रात भी हो चुका है नहीं तो मॉन्स्टर वगैरह ये लोग अंदर आ जाएगा। अभी कुछ इस तरीके का हम लोग अंदर जाएंगे। एंड यहाँ पे दो दो बेडरूम है हम लोग के पास। तो यहाँ पे लेफ्ट में ये वाला बंद कर देते, ये वाला बंद कर देते, हम लोग रहेंगे इस वाले में। तो बहुत मेहनत से गाइस मैंने ये घर बनाया है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक करके जाना, चैनल पर कोई नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आप लोग कमेंट करो मेरे को सर्वाइवल मोड में खेलना चाहिए या फिर क्रिएटिव मोड में मेरे को ऐसे खेलना चाहिए, तो जरूर से नीचे कमेंट करके बताना। तो मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।